भाई क्या गर्मी है यहाँ पे। हाँ एनीवेज बहुत ज़्यादा tasted like those cigarettes staring at the moon. So what's up guys, आज हम लोग जा रहे हैं हाईवे राइड करने के लिए। जैसे कि अगस्त का फर्स्ट संडे है एंड अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। जस्ट राइडिंग बिकॉज द नेक्स्ट संडे जितने भी संडे लॉकडाउन होने वाला है एंड उस संडे हम लोग राइड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सीधा राइड पे चलते हैं। Our lips, they tasted like those cigarettes staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound. What's up guys, good morning and a very very happy friendship day 2020. मौसम है बड़ा ज़बरदस्त, बाइक चलाने का फुल मूड ऑन है एंड मैं चला रहा हूँ अपनी ट्रायम्फ डेटोना 675R। बहुत ही सूना सूना सा लग रहा है क्योंकि मैं दो संडे से बाइक नहीं चला रहा हूं एंड जो अभी कमिंग संडेज़ है उसमें गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित करके रखा हुआ है, तो चांसेस है कि तब भी बाइक चलाने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आज थोड़ी बहुत ट्रैफिक है भी, बट लेट्स सी हाईवे का क्या कंडीशन होता है। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए डांकुनी हाईवे एंड यहाँ पे जो रसल राइडर्स से मुलाकात हुई है फिलहाल, इवन तो मैं अभी तक हाईवे पहुंचा नहीं हूँ बट मज़ा आता है
कि कोई भी बाइकर हो, चाहे वो कोई सी भी सेगमेंट की बाइक चला रहा हो, बट इफ़ ही इज़ नोन टू यू और मे बी अननोन, बाइक चलाने में ज़रूर मज़ा आता है साथ में। रॉयल इनफील्ड का तो पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है यहाँ पे फिलहाल। तो मोइज बाबू भी खड़े हुए हैं एंड इमरान बाबू भी खड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। चलिए हम लोग राइड करते हैं। व्हाइट कलर की हायाबूसा की बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती होती है एंड देख के भी अच्छा लगता है। एक रोड प्रेजेंस है सुजुकी हायाबूसा का, वेदर इट इज सिल्वर और वट एवर यू कॉल, मतलब उसको ग्रे कलर भी बोलते हैं या फिर आप उसको व्हाइट कलर बोलिए, उसकी खूबसूरती मतलब एक अलग ही लेवल की होती है। So the guy who's riding the bike right now, हमारे क्वानिदा, इसके पहले ये चलाते थे कावासाकी की Z1000 जो कि उन्होंने एक बंदे को बेची है। आई थिंक हिज नेम इज सोएफ, ऐसी कुछ नाम है उसका, जो अभी Z1000 चला रहा है क्वानिदा की। Just see the reaction of the people, man. They go crazy after listening to the exhaust of these bikes. क्या जा रहा है ये बड़े बड़े ट्रक में पता नहीं, इट इज लाइक कुछ हल्का सामान है तभी इतना ज्यादा ओवरलोडेड जा रहा है। The BMW XR, this is a different league of a bike. जैसे कि ट्रायम्फ की बहुत सारी बाइकें आती हैं, टाइगर हो गया या फिर 1200 सीसी हो गई, वैसे ये भी बाइक है, बट दिस इज अ 1000 सीसी इंजन। दिस इज बेसिकली अ BMW S1000 आ रहा है, जो थोड़ी डिट्यून्ड रहती है एंड इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट रहता है। इस बाइक को लेके आप आराम से खेल सकते हैं, कोई भी ऑफ रोड जगह जा सकते हैं एंड चलाने का मज़ा इसका बहुत डिफरेंट है। लॉन्ग ट्रिप में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो आप BMW S1000 RR से भी ट्रिप्स नहीं कर सकते हैं वो आप इस BMW की XR से आराम से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट लेवल ऑफ द बाइक। जस्ट हैव अ लुक एट द पोजिशन ऑफ द बाइक, मतलब जो बैठने का पोजिशन है, द सीटिंग पोजिशन ऑफ द बाइक, इट इज सो डिफरेंट दैट यू विल नॉट रियलाइज इवन 1000 किलोमीटर ऑन दिस बाइक। एंड जो टॉर्क है वो तो अपनी जगह है ही इसका।
सो गाइस यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को अभी एंड करते हैं एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग निकालेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा।